कई लोग हमारे पास आते, गुरु जी हम बहुत आपस में शत्रु बहुत ज्यादा है, दुश्मन बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, तुम छोटे बनना प्रारंभ कर दो, जिस दिन तुम झुकना सीख जाओगे बड़े बड़े संकट निकल जाएंगे। मध्य प्रदेश के बागेश्वर धाम सरकार के पंडित धीरेंद्र शास्त्री काफी चर्चा में रहते हैं। इस वक्त वो बिहार में कथा कर रहे हैं, जिस दौरान उन्हें बिहार सरकार में मंत्री और लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप ने धमकी दे डाली। हालांकि तेज प्रताप की धमकी के बावजूद 10 लाख से ज्यादा लोगों ने पंडित धीरेंद्र शास्त्री की कथा में शिरकत की। भारी भीड़ को देखते हुए उन्हें दिव्य दरबार कैंसिल भी करना पड़ा था। इतनी सुर्खियां बटोरने वाले पंडित धीरेंद्र शास्त्री आखिर हैं कौन? छतरपुर के पास गड़ा में बागेश्वर धाम है। यहाँ बालाजी हनुमान जी का एक मंदिर है, जिसे धीरे धीरे लोग बागेश्वर धाम सरकार के नाम से पुकारने लगे। ये मंदिर सैकड़ों साल पुराना बताया जाता है। 1986 में इस मंदिर का रेनोवेशन कराया गया था। 1987 के आसपास यहाँ एक संत बब्बा जी सेतुलाल जी महाराज आए। इनको भगवान दास जी महाराज के नाम से भी जाना जाता था। धाम के मौजूदा प्रमुख पंडित धीरेंद्र शास्त्री भगवान दास जी महाराज के ही पोते हैं। साल 2012 में बागेश्वर धाम की सिद्ध पीठ पर श्रद्धालुओं की समस्याओं का निवारण के लिए एक दरबार का शुभारंभ हुआ। इसके बाद धीरे धीरे बागेश्वर धाम के भक्त इस दरबार से जुड़ने लगे। फिलहाल बागेश्वर धाम की बागडोर पंडित धीरेंद्र शास्त्री के पास है। बताया जाता है कि पंडित धीरेंद्र का बचपन काफी कठिनाइयों में बीता। जब वो छोटे थे तो परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि एक वक्त का ही भोजन मिल पाता था। पंडित शास्त्री ने 11 साल की उम्र में ही बालाजी बागेश्वर धाम में पूजा पाठ शुरू कर दी थी। धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं कि वो किसी तरह का कोई चमत्कार नहीं करते हैं, वो तो सिर्फ बालाजी हनुमान जी के सामने लोगों की अर्जियां लगाते हैं, जिसे बालाजी सरकार स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे कई लोग हैं जिनकी समस्याओं का निवारण बागेश्वर धाम जाकर हुआ है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल भारत संवाद को सब्सक्राइब करें।